Most welcome to this new content, introductory subject, lesson 2. I am Munna sir from Chapra. आज के इस कंटेंट में हम introductory subject के रूप में it का प्रयोग सीखेंगे. Dear viewers, आपके मन में यह बात चल रही होगी कि introductory subject क्या है. Introductory subject वह subject है जो वाक्य में कर्ता के स्थान पर आता तो है, लेकिन वह real में कर्ता नहीं होता है, subject नहीं होता है. रियल सब्जेक्ट नहीं होने के कारण ही इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट कहा जाता है. अपना आपके मन में एक प्रश्न होगी कि सर, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यदि वाक्य में कर्ता के स्थान पर आकर कर्ता का काम करता है, तो जो वाक्य में रियल में कर्ता का काम करता है उसको कौन सा सब्जेक्ट कहते हैं. तो मैं आपको बता दूं, प्रयोग के आधार पर सब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसे रियल सब्जेक्ट तथा डमी सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है. डमी सब्जेक्ट को ही इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट कहा जाता है. जिस वाक्य में काम करने वाला मौजूद हो, उस काम करने वाले को ही रियल सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे मेरा दोस्त अंग्रेजी सीख रहा है. कौन अंग्रेजी सीख रहा है? जवाब, मेरा दोस्त. मेरी माँ खाना बना रही है. कौन खाना बना रही है? मेरी माँ. तो यहां मेरी माँ और मेरा दोस्त काम करने वाले हैं. जिस वाक्य में काम करने वाला मौजूद नहीं हो, सिर्फ काम हो या किसी के ऊपर फोकस की गई हो, तब उस वाक्य की रचना डमी या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से होती है. पिछले वीडियो में मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट तथा देयर का प्रयोग किया जाता है. तो आज के इस कंटेंट में हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग सीखेंगे. डियर व्यूअर्स, इट का प्रयोग रियल सब्जेक्ट तथा डमी सब्जेक्ट दोनों रूपों में होता है. जब यह रियल सब्जेक्ट के रूप में आता है, तब इसका प्लूरल दे होता है, और जब यह डमी सब्जेक्ट के रूप में आता है, तब इसका प्लूरल नहीं होता है. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की स्थिति में इसका प्रयोग टाइम, डे, डेट, स्ट्रेस, नॉन लिविंग थिंग्स एंड स्मॉल क्रिएचर्स, नेचुरल इवेंट, ईयर, मंथ तथा सीजन को दर्शाने के लिए होता है. एक बार फिर मैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट को रखना चाहूंगा. जब इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आता है, तब यह टाइम, डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, स्ट्रेस, नेचुरल इवेंट एंड नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाता है. और जब यह रियल सब्जेक्ट के रूप में आता है, तब यह पर्सनल प्रोनाउन के श्रेणी में आता है, और यह नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है. व्यक्ति को छोड़कर अन्य सभी सिंगुलर नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं. जैसे मेरे पास एक सेलफोन है, आई हैव अ सेलफोन. यह पुरानी है, इट इज ओल्ड. तो रियल सब्जेक्ट के रूप में जब इट आता है, तब इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है. आपके पास एक पेंसिल है, यह नई है. यू हैव अ पेंसिल, इट इज न्यू. और जब यह डमी सब्जेक्ट के रूप में आता है, तब यह टाइम, डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, स्ट्रेस, नेचुरल इवेंट इत्यादि को दर्शाता है. तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट के फील्ड्स को समझ गए होंगे. एक बार फिर मैं इट के नेचुरल यूज को आपके बीच रखना चाहूंगा, जो वाक्य में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आता है. डियर व्यूअर्स, इट जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आता है, तब यह टाइम, डे, डेट, मंथ, ईयर,
सीजन, स्ट्रेस, नेचुरल इवेंट तथा नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में इसका अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में सीख चुके होंगे। इट के अगले कड़ी में इससे संबंधित कुछ और प्रयोग को लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।